it. युवक की अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय, बाराती किसान की वेशभूषा में पहुंचे मैरिज लॉन। संपत्ति विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर पुलिस ने चलाया निजात अभियान, नशे के दुष्प्रभाव और महिला अधिकारों के प्रति किया जागरूक। वन परिक्षेत्र में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत, घटना के बाद हाथियों के अन्य दल की बड़ी सुरक्षा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। बीजापुर के भैरमगढ़ नगर पंचायत अधिकारियों ने विकास कार्यों से संबंधित टेंडर निरस्त किया है। सड़क नाली जोनल कार जैसी करोड़ों की परियोजनाएं बंद की गई। स्थानीय नागरिकों ने बताया सीएमओ की निष्क्रियता के कारण 3 महीने से 2 बार विकास कार्यों का टेंडर निरस्त हुआ है। साथ ही आरोप लगाया कि मनपसंद ठेकेदारों को शासकीय विभागों में टेंडर को लेकर विवाद है, जिसके कारण नगर निगम विकास कार्यों के टेंडर बार बार निरस्त कर रहा है। सर्व अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के सर्व अनुसूचित जाति आरक्षण को 16% से घटाकर 13% किए जाने के विरोध में लोहिया चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण को 16% रखने की मांग की। आंदोलन में सतनामी समाज, आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, गाड़ा समाज, रविदास समाज, वहीं सारथी समाज और सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके मुखिया ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग की मांगों पर विचार नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी है। कांग्रेस सरकार द्वारा हम लोगों को आरक्षण को कम किया गया, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो समाज उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसके लिए सभी समाज के संगठनों से विचार विमर्श कर कांग्रेस पार्टी के यहाँ से उखाड़ कर फेंकने के लिए माननीय भूपेश बघेल जो कपटी सरकार है उनको समाप्त करने की इस समाज के द्वारा बड़ा आह्वान किया जाएगा और जिससे कांग्रेस पार्टी समाप्त किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हुए हैं जी। मैं डॉक्टर कोमल लहरे, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ हमारे समाज के SC कैटेगरी के जो आरक्षण कोर्ट के निर्देशानुसार और हम लोगों को जो 16% मिलते आ रहा था उसको अभी कैबिनेट में 13% के लिए कैबिनेट में पास किया गया है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय का आवेदन दिए हैं। रायपुर में महासमुंद के एक मैरिज लॉन में अनोखी शादी देखने को मिली। युवक की शादी में बैंड बाजे और बैलगाड़ी की पुरानी परंपरा के साथ ही छत्तीसगढ़ का राजगीत बजाया गया। बारातियों ने आधुनिक परिधान की जगह किसान की वेशभूषा में शादी में शामिल हुए। युवक ने बताया कि पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अनूठी तरह की शादी व्यवस्था को अपनाया गया है। शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजापुर के नंबी गलगम में DRG, CRPF और कोरबा जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। स्पाइक होल की चपेट में आने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नक्सलियों से जारी मुठभेड़ में अब तक कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जशपुर के कांसाबेल वन परिक्षेत्र में एक हाथी 11 kV बिजली के लाइन से
चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारी रेंजर प्रभावती चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और वन परिक्षेत्र में उपस्थित हाथियों के दल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जानकारी दी। कोरबा की रामपुर पुलिस ने ग्राम गोढ़ी से निजात अभियान के तहत ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक किया और नशा ना करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों की इस पहल की जनपद में काफी सराहना की जा रही है। बालको मुख्य मार्ग पर राख से भरे भारी परिवहन की रोक के लिए जारी विरोध प्रदर्शन स्थानीय निवासियों, बालको प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। बैठक में दोनों पक्षों में आपसी रजामंदी के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बालको के सड़क निर्माण, भारी वाहनों की रोक, मंगलवार और शुक्रवार 4 घंटे की नो एंट्री करने की जानकारी दी। स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कोरबा रजगामर पुलिस ने संपत्ति विवाद में हुई हत्या के दोषी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के बेटे ने ही संपत्ति विवाद को लेकर बुजुर्ग की निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि हत्या का आरोपी पेशेवर अपराधी है, पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। हत्यारोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल दिनांक 28/11/22 को प्रार्थी सिकंदर राठिया निवासी कोई के द्वारा चौकी उपस्थिता का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिताजी बहादुर सिंह राठिया को उसके बड़े भाई संजय राठिया के द्वारा हत्या करके घर के पीछे बाड़ी के कुएं में फेंक दिया है। सूचना पर तत्काल मर्ग और धारा 302 भादेवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत करा करके विवेचना कार्रवाई में लिया गया। रात में ही आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उप स्वास्थ्य केंद्र मुलमुला में भर्ती फर्जी मार्कशीट के आधार पर पिछले कई सालों से महिला कार्यकर्ता के पद पर तैनात 3 महिला कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया। CMHO अधिकारी ने बताया कि यशोदा तिवारी, बिमला विश्वकर्मा, सुनीता ठाकुर की 10वीं की मार्कशीट फर्जी मिली। तीनों दोषियों को स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल बर्खास्त के निर्देश दिए हैं। रामगढ़ के ब्लॉक में जो 3 हमारी NM हैं जो कोसा, कुनार और मुलमुला में पदस्थ थी, उनका डॉक्यूमेंट्स चेक के लिए जिला कार्यालय में मंगाया गया था। वहाँ उन्होंने के जिला कार्यालय में चेक करने के बाद CMHO साहब द्वारा यह पाया गया कि वो फर्जी नौकरी कर रही हैं, तो उनके आदेश से ही उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जमीन बंटवारा का पर्चा अलग ना होने के कारण एक पक्ष ने धान खरीद केंद्र पर टोकर कटवा सारा धान बेच दिया। पीड़ित पक्ष ने बताया कि 2019 में धान खरीद पर रोक के लिए प्रबंधन आवेदन देकर अवगत कराया गया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू के नेतृत्व में तहसीलदार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। यह जमीन मेरे माँ के नाम में है, 3 एकड़ 29 डिसमिल, जिसमें मेरी माँ ने 16/6/2006 को, तो हम लोग 2 भाई हैं, तो बंटवारा दे चुका है और बंटवारा में अपना अपना हिस्सा कमा खा रहे हैं। जबकि आज तक के 2006 से बंटवारा हुआ, तब के मेरे को आज तक एक दाना धान बिका नहीं मेरे रकबे का। और वो लड़का जो है मेरा छोटा भाई है, वो व्यापारी है, अपने दुकान का धान ले जा कर के वह सोसाइटी में खपाता है। और अभी वर्तमान में मैं जानकारी लिया गया कि 28/11/2022 को 49 क्विंटल 20 किलो धान खपा दिया गया है, जबकि मेरा से अभी धान, मेरे हिस्से का धान अभी खड़ा है, अभी मौजूद है। पारिवारिक मैटर है वो धान का, उनका अपने माँ के नाम से बेचा है वो धान, गैंद भाई कुछ है ना, गैंद भाई के नाम से।
और पालक है जो अपने माँ के पास रहते हैं, अपने माँ के परचम बेचा है उधार। दो भाई है, दो भाई के आपस में बांट रहे जमीन ला, माँ के नाम से जमीन है और दोनों भाई खेती करते वहाँ। एक भाई पूरा रकबा में धान बेच दे गए है, ये बात सामने आई, तो दोनों भाई आपस में लड़त भी रही। तो इस संबंध में मैं तहसीलदार से बात करूँ कि आप जाके थोड़ा सा देखो का है मामला। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।